हेलो दोस्तों, सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल है इसके रिपेयरिंग। दोस्तों मैं देखा आप ठीक होंगे। दोस्तों आज ये हमारे पास रिसीवर आया हुआ है स्टार मैक्स 3000 स्पार्क। दोस्तों ये रेड लाइट की प्रॉब्लम में आया हुआ है। दोस्तों उसमें बोर्ड लगा हुआ है अली पंटी 10C वाला बोर्ड लगा हुआ है। ये देखो दोस्तों, दोस्तों इसमें पहले भी काम किया हुआ है लेकिन ये हमारे पास आया रेड लाइट पे। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि इसके में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ये ग्राउंड लगा लेंगे। दोस्तों उसके वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों मीटर को 20 वोल्ट पर रखेंगे लेंगे। दोस्तों ये 5 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, दोस्तों ये 20 से 21 वोल्ट, ये 21 वोल्ट, दोस्तों ये 1.8, दोस्तों ये 1.1, ये भी सही है रेगुलेटर हमारा। दोस्तों ये 3.3, ये भी सही है। दोस्तों ये 3.3, दोस्तों ये मेमोरी भी वोल्ट 3.3, दोस्तों ये भी 3.3। वोल्टेज हमारे सारे ओके हैं। दोस्तों ये इधर मीटर को 45-46.46 पॉइंट बताने थे, इधर 11% बता रहा है। हमारी मेमोरी का सॉफ्टवेयर ख़राब है या मेमोरी ख़राब है, सारे वोल्टेज सही होने के बाद भी ये देखो दोस्तों रेड लाइट पे है। दोस्तों इसका जेक निकाल लेंगे। दोस्तों इसकी मेमोरी चेंज करेंगे, दूसरी लगाएंगे इसमें। दोस्तों पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लाजमी लगा लेनी है। दोस्तों उसको निकाल लेंगे बाहर मेमोरी को। ये देखो दोस्तों, हमने इसमें मेमोरी निकाल दी है। अभी इसमें दूसरी लगाएंगे। दूसरी लगाने के बाद चेक करेंगे, देखते हैं रिसीवर हमारा ऑन होता है या नहीं। दोस्तों काय से रीशोल्ड कर लेंगे। दोस्तों दोनों तरफ से रीशोल्ड कर लेंगे। दोस्तों अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, कहीं पे टचिंग ना हो। दोस्तों अभी इसका जेक लगाएंगे और इसको चेक करेंगे। दोस्तों हमने इसका ये जेक लगा दिया। ये देखो दोस्तों, हमारा रिसीवर ऑन हो गया। दोस्तों इसमें मेमोरी का ही प्रॉब्लम था। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, नया हो अगर हमारे चैनल पे और लाइक कर देना ताकि हम आपके लिए काम करते रहें। ये देखो दोस्तों, ओके दोस्तों, दुआओं में याद।